जी नमस्कार, स्वागत है इस नए वीडियो में। इस वीडियो आप लोग जानकारी वाले हैं कि आय प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन अप्लाई अपने घर बैठे खुद से करना चाहते हैं तो किस प्रकार से कर सकते हैं, तो कंप्लीट जानकारी आप लोग को इस वीडियो में देने वाले हैं। फिर मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग जो है आय प्रमाण पत्र का फॉर्म फिल करना सीख जाएंगे तो आप जाति आवासी का भी जो है फॉर्म फिल करना सीख जाएंगे, क्योंकि जो है तीनों का फॉर्म जो है सेम होता है, सेम तरीका से फिल होता है। तो चलिए ज्यादा समय नहीं लेते वीडियो को शुरू करते हैं। तो फिर इसके लिए सबसे पहले तो आपको इस वेबसाइट पे आना होता है। इस वेबसाइट का जो है लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन्होंने दे दिए, वहां से क्लिक करके डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ सकते हैं या इस वेबसाइट के भी माध्यम से आ सकते हैं ऑनलाइन एसटीएम के माध्यम से। इस वेबसाइट का भी जो है लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। इस वेबसाइट पे आने के बाद आपको यहाँ से जो है सिंपली लेटेस्ट अपडेट में आ जाना है, या कुछ दिन बाद आप देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा, सिंपली यहाँ पे सर्टिफिकेट वाले ऑप्शन में आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो जो भी आपको यहाँ पे अप्लाई करना है उसके सामने इस पे उस पोस्ट पे क्लिक करना है। इस वजह से क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है कुछ इस तरीका से जो है ये पोस्ट जो है आपके सामने में डिटेल खुल करके ये जो है आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है थोड़ा नेट स्लो है, इसकी वजह से थोड़ा लेट लग रहा है। तो सिंपली आपको यहाँ पे इस पोस्ट के सबसे नीचे आ जाना है। ठीक है, सबसे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको जो है अप्लाई ऑनलाइन का जो है एक ऑप्शन दिख जाएगा, इसके सामने क्लिक करें। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस प्रकार से ये वेबसाइट जो है इसका ऑफिशियली जो वेबसाइट है ये खुल करके यहाँ पे आ जाएगा। तो सिंपली आपको इस वाले कॉलम में आ जाना है, लोक सेवाओं के अधिकारी की सेवाएं। इस वाले कॉलम में यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा सामान्य प्रशासन विभाग, इस पे आपको क्लिक करना है। इस वजह से क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूछेगा कि भाई आप कौन सा जो है प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं, आवासीय प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं या जाति प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं या आय प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो जो भी बनाना चाहते हैं, जैसे आप आवासीय प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं और पर्सनली आप जो है चाहते कि नहीं हम आवासीय प्रमाण पत्र का ही प्रोसेस देखना चाहते हैं, तो आप ये वाला वीडियो देख लीजिएगा। इसमें आवासीय प्रमाण पत्र किस प्रकार से बनाया जाता है ये प्रोसेस बताए हुए हैं। तो चलिए, आप जो भी बनाना चाहते हैं उस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूछेगा कि भाई आप कौन से स्तर से बनाना चाहते हैं, अंचल स्तर से बनाना चाहते हैं या अनुमंडल स्तर से बनाना चाहते हैं या जिला स्तर से बनाना चाहते हैं। देखिए, अगर फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो आप अंचल स्तर ही चूज करेंगे। नॉर्मली जो है सभी लोग अंचल स्तर से ही बनाते हैं। अगर आप अनुमंडल स्तर से बनाना चाहिएगा तो पहले आपको जो है अंचल स्तर से बना होना चाहिए। ठीक है, अनुमंडल स्तर बनाने के लिए अगर जिला स्तर से बनाना चाहते हैं तो पहले आपको जो है अनुमंडल स्तर से बना होगा, तभी जो है जिला स्तर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस है। तो सबसे फर्स्ट टाइम जो है अंचल स्तर ही जो है बनाना होता है। तो हम चलिए इसी का, मेरा अंचल स्तर का ही रिक्वायरमेंट है तो हम ये वाला चूज कर लेते हैं। नॉर्मली सभी लोग यही अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इसी से काम हो जाता है बेसिकली। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा देख सकते हैं थोड़ा नेट स्लो है, इसके कारण थोड़ा लेट से फॉर्म ओपन हो रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कुछ इस प्रकार से ये ओपन हो करके आ जाता है। तो यहाँ पे जो सबसे पहले पूछेगा कि भाई आपका जेंडर क्या है, मेल है या फीमेल है। तो जो भी अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज करेंगे, और यहाँ पे मेल फीमेल चूज करेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है टाइटल आ जाएगा। तो अपना टाइटल यहाँ पे चूज करेंगे, उसके बाद यहाँ पे नेम ऑफ अप्लीकेंट बोला जाता है। तो यहाँ पे जो भी आपका नाम है यहाँ पे अपना टाइप करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे उमेश टाइप किया, और जैसे यहाँ पे देखिए इस बगल हिंदी में लिखा जाता है, लिखने के लिए मतलब टाइप करने के लिए बोला जाता है, और इस बगल इंग्लिश में। जैसे यहाँ पे उमेश टाइप किए और जैसे स्पेस देंगे तो इस बगल ऑटोमेटिक हिंदी हो जाएगा। ठीक है, स्पेस हमने टाइप किए और ये ऑटोमेटिक हिंदी हो गया। ठीक है, उसी तरीका से यहाँ पे आपको कुमार टाइप करना है, और जैसे यहाँ पे कुमार टाइप करके, और देखिए स्पेस यहाँ पे नहीं दीजिएगा, अगले कॉलम में चलिएगा तो यहाँ पे हिंदी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए स्पेस देते हैं, ऑटोमेटिक यहाँ पे हिंदी हो गया। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे करना है। फिर उसी तरीका से यहाँ पे फादर नेम टाइप करना है, और जैसे स्पेस देंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक हिंदी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ उसी प्रकार से जो है मदर का नेम यहाँ पे टाइप करना है। अगर कोई फीमेल का अप्लाई कर रहे हैं और उनका शादीशुदा है, यानी वो शादीशुदा है, तो यहाँ पे हस्बैंड नेम उनका फिल करेंगे, नहीं तो अन्यथा अगर वो शादीशुदा नहीं है तो इसे छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पे आवेदक का मोबाइल नंबर यहाँ पे जो है बोला जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे आवेदक का ईमेल आईडी इसमें आपको फिल कर देना है। उसके बाद जो यहाँ पे उसका राज्य क्या है, तो यहाँ पे आपको राज्य चूज कर लेना है। और मैं आप लोग बताना चाहूंगा कि यहाँ पे ईमेल आईडी अगर उनका नहीं है तो आप अपना भी दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जिला कौन सा है, तो आप जिस भी जिला से बिलोंग करते हैं अपना जिला चूज कर लेंगे। उसके बाद जो है उसके अकॉर्डिंग आपका अनुमंडल आ जाएगा, तो जो भी अनुमंडल होगा यहाँ पे चूज करेंगे। ब्लॉक उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा, चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि स्थानीय निकाय प्रकार क्या है, आप जो है ग्राम पंचायत से बिलोंग करते हैं या नगर निगम से बिलोंग करते हैं या नगर परिषद से बिलोंग करते हैं या नगर पंचायत से बिलोंग करते हैं। तो जो भी है आप अपना यहाँ पे जो है गांव का जो है मतलब ये प्रकार चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे वार्ड क्या है आपका, यहाँ पे वार्ड नंबर अपना टाइप करेंगे, जो भी वार्ड नंबर है यहाँ पे टाइप कर देंगे। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है आपका पंचायत क्या है, यहाँ पे अपना पंचायत नेम चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो है आपके गाँव का जो भी है यहाँ पे नाम है अपना टाइप करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पोस्ट ऑफिस क्या है टाइप कर देना है।
पुलिस स्टेशन यहाँ पे क्या है आप अपना इसमें चूज कर लेंगे। उसके बाद आपका पिन कोड क्या है इसमें टाइप कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आवेदक का फोटोग्राफर बोला जा रहा है अपलोड करने के लिए, तो इसके लिए सिंपली आपको चूज फाइल पे क्लिक करना है और जिस भी जगह पे यहाँ पे फोटो रखे हैं जिस भी फोल्डर में आप वहाँ से जो है अपलोड कर लेना है कुछ इस प्रकार से। और मैं आप लोग बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो फोटो अपलोड करेंगे उसका जो साइज होना चाहिए 20 KB से प्लस होना चाहिए, यानी 20 KB से छोटा नहीं होना चाहिए और 350 KB से बड़ा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है आप समझ गए होंगे। उसके बाद यहाँ पे आधार संख्या बोला जा रहा है डालने के लिए, तो यहाँ पे आधार संख्या फिर मैं आप लोग बताना चाहूंगा उसी कंडीशन में डालिएगा जिस जैसे कि जिनका अप्लाई कर रहे हैं और उनके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है, तो यहाँ पे जो है आधार नंबर टाइप करेंगे तो आधार से जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर एक OTP भेजा जाएगा, जो OTP आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। अगर OTP यहाँ पे फिल करके यहाँ पे जो है ये करते हैं तो उस कंडीशन में जो है आपसे आधार कार्ड अपलोड नहीं करवाया जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे आधार नंबर नहीं फिल करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं अपना आधार कार्ड अपलोड करके बनाने वाला हूँ, तो ठीक है। तो यहाँ पे इस कंडीशन में यहाँ पे नहीं हम टाइप करेंगे, यानी आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पे आधार नंबर नहीं टाइप करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पैसा पूछा जाता है, तो पैसा में आप किस प्रकार के हैं, यहाँ पे स्टूडेंट है या जो है सरकारी है, जो भी है व्यापार है किसान है जो भी है यहाँ पे अपना चूज करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे स्टूडेंट चूज कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे उद्देश्य पूछ रहा है कि भाई आप कौन से जो है उद्देश्य से बनाना चाहते हैं, तो मैं इंडियन आर्मी टाइप कर देता हूँ। जो भी है यहाँ पे अपना उद्देश्य दे सकते हैं या अन्यथा जो है छोड़ भी सकते हैं, खाली भी छोड़ दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि भाई आपका जो है सरकारी सेवा से आय कितना है सालाना, तो अगर आपको मतलब फैमिली में कोई किसी का जो है सरकारी जॉब है तो आप देना चाहते हो तो दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे व्यवसाय से कितना आपका सालाना आय है। उसके बाद कृषि से जो है सालाना इनकम कितना है यहाँ पे आपको देना है। उसके बाद जो है अन्य स्रोतों से कितना है यहाँ पे आपको जो है दे देना है। तो चलिए मैं जो है सिंपली अन्य स्रोतों से 90,000 मैं दे देता हूँ। यहाँ पे हमने 90,000 टाइप किया और उसके बाद जो है यहाँ पे सारा कुछ फिल करने के बाद यहाँ पे जो कैप्चा कोड है ये कैप्चा कोड फिल करने के बाद सिंपली प्रोसेस पे क्लिक करना है। जैसे प्रोसेस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बोल रहा है कृपया अपने नाम की सुस्ता की जाँच कर ले और कृपया अपने मोबाइल नंबर और ईमेल की भी सुस्ता की जाँच कर ले, क्योंकि यहाँ पे जैसे आपका आवेदन फाइनल होता है तो मोबाइल और ईमेल पे जो है एक अलर्ट चला जाता है कि आपका जो है फाइनल सबमिट हो गया। और जब आपका बन भी जाता है तो आपके मोबाइल और ईमेल पे जो है PDF भी आ जाता है, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है। जैसे ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है फिर से ये रिडायरेक्ट करेगा और आपके सामने जो है कुछ इस प्रकार से जो है प्रीव्यू पे जो है खुल करके आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपली आप इसमें अपना डिटेल एक बार मिला लेंगे कि आपका जो है गलत है या सही है। अगर आपको लगता है कि सही है तो यहाँ पे अटैच पे क्लिक करेंगे। अगर आपको लगता है कि कुछ भी इसमें जो है गलत है तो यहाँ पे एडिट पे क्लिक करके दोबारा से एडिट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे जो है अटैच पे क्लिक करते हैं। अब एक बार यहाँ पे अटैच पे क्लिक कर देते हैं, इसके बाद आप दोबारा से चाहते हैं कि हम इसमें एडिट कर लें तो आप एडिट नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए आप अपना एक बार डिटेल अच्छी तरीके से मिला लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे जो है दस्तावेज अपलोड करने के ऑप्शन आ गया, ठीक है। मैं जैसे कि वहाँ पे बताया था कि आधार कार्ड नहीं डालने के लिए आधार कार्ड नंबर, अगर आधार कार्ड नंबर यहाँ पे डालेंगे तो फिर ये ऑप्शन नहीं आता है, ठीक है। डायरेक्टली जो है यहाँ पे एक प्रीव्यू पेज फिर से खुल के आ जाता है और वहाँ पे फाइनल सबमिट करने का ऑप्शन आता है। अगर आधार नंबर वहाँ पे फिल करके नहीं आएंगे तो फिर आपको यहाँ पे जो है ये ऑप्शन चूज करना पड़ेगा और यहाँ पे जो है मतलब जो भी इसमें डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं आपके पास अवेलेबल है वो यहाँ पे चूज करेंगे। और यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके और यहाँ से जहाँ भी आप जो है अपना डॉक्यूमेंट रखे हुए हैं तो आप यहाँ से जो है अपलोड कर लेंगे कुछ इस प्रकार से, ठीक है। और यहाँ पे जो है सेव पे जो है क्लिक करना है। जैसे सेव पे क्लिक करेंगे तो फिर आपके सामने जो है अपलोड होकर के आ जाएगा और इसको एक बार चेकआउट करने के लिए बोलेगा ताकि आपका जो है डॉक्यूमेंट सही है या गलत है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं जो है जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए यहाँ पे उसका नाम यहाँ पे आ गया है। इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट खुल करके कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। और फिर मैं आप लोगों को सजेशन करना चाहूंगा कि आप जो भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो यहाँ पे जो है उसमें एक से मतलब जो है साइन होना चाहिए, सेफ सिग्नेचर होना चाहिए, अन्यथा वैसे भी बना दिया जाता है लेकिन ये जो है कभी कभी बहुत सारे लोगों का जो है अधिकांश रिजेक्टेड होता है इसी के रीजन से, ठीक है। तो आप लोग जो है समझ लिए। इसके बाद जो है सिंपली आपको सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो फिर आपका जो है यहाँ पे रिसिप्ट जो है अब निकल करके आ जाएगा, ये जो है फाइनल सबमिट है, ठीक है। अब इसके बाद जो है आप अपडेट करना चाहिएगा, आप जो है लाख कोशिश कीजिएगा अपडेट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है रिसीविंग अब जो है निकल करके आ चुका है। आपको रिसीविंग डाउनलोड करने के लिए PDF फाइल में एक्सपोर्ट टू PDF है, इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपका PDF यहाँ पे डाउनलोड होकर के आ जाएगा, ठीक है, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पे जो है डाउनलोड हो गया, ठीक है। और फिर मैं आप लोग बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो ये कितने दिनों में बन जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है 12 दिनों का समय दिया जाता है। यहाँ पे जो है सेवा प्रदान करने का तिथि यहाँ पे दिया गया है कि आप इस डेट के बाद जो है आप किसी भी दिन जो है आप अपना
जाति या जो भी अप्लाई किए हैं आप जो है अपना डाउनलोड कर सकते हैं। आपको डाउनलोड किस प्रकार से करना है, तो सिंपली यहाँ पे जो ये आवेदन संख्या है ये आपको यहाँ पे कॉपी कर लेना है और सिंपली आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है यहाँ पे। और यहाँ पे देख सकते हैं सर्टिफिकेट डाउनलोड करे हैं, इस पे क्लिक करेंगे और इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है जो कि कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। तो इसमें अपना जो एप्लीकेशन नंबर इसमें टाइप करेंगे और इसमें अपना नाम टाइप करेंगे और यहाँ पे डाउनलोड सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है डाउनलोड होकर के आ जाएगा। तो आप लोग जो इस प्रकार से आप लोग जो अपना आय प्रमाण पत्र अप्लाई कर सकते हैं या जो है जाति आवासी जो है अप्लाई कर सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो कंप्लीट जानकारी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को अभी भी किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन या डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।